आज जैसे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं लेट आफ्टरनून में ये अम्फन जो अभी एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है वो गंगेटी कोस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश कोस्ट का अंदर पे, जैसे दीघा और खतिया ये दो जो जगह है इसका अंदर पे, इनफैक्ट नियर टू सुंदरबन डेल्टा रीजियन उधर पे हिट करेंगे। जैसे ही हिट करेंगे आहिस्ते आहिस्ते ये मूव करना शुरू करेंगे नॉर्थ ईस्टर्नली इन डायरेक्शन। तो ऐसे से जैसे ये लैंड में जाएगा थोड़ा सा वीक होना शुरू कर देगा, लेकिन वीक होने से का बाद भी जैसे ये नॉर्थ ईस्टर्नली डायरेक्शन में आते जाएंगे तो उसका पेरीफेरी में जो जो जगह है उस जगह पे बारिश होंगे। तो हम लोग जैसे इधर पे सिक्किम और एडजोइनिंग जो सब वेस्ट बंगाल जिसको हम लोग नॉर्थ बंगाल कहते हैं उधर पे भी इफेक्ट आएगा, डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा। उसके लिए आज और कल जैसे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं थ्रू आउट द डे रेनफॉल रहेगा, चाहे तो लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल। और जो हम लोगों का जो वार्निंग जो दिया है हुआ है वो मेनली जो दिया हुआ है वो है आज नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में है, ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में है और वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में हेवी रेनफॉल होने के लिए संभावना है। और कल जो है कल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट और साउथ डिस्ट्रिक्ट में हेवी रेनफॉल का संभावना है होंगे। मोर ओवर जो हम लोग सोच रहे हैं कि सरफेस विंड स्पीड जो है, जैसे ये सिस्टम आते हैं ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिस्टम होता है, तो उसके वजह से सरफेस विंड स्पीड जो है वो थोड़ा सा बढ़ेगा। 30 से 40 किलोमीटर कोई कोई जगह पे हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये दोनों मेन है। अभी उसका वजह से कोई जगह पे जैसे 2 दिन अगर कंटिन्यूअस रेन होगा तो उसका इम्पैक्ट जो आएगा और रास्ता का ऊपर रोड का ऊपर कुछ इम्पैक्ट आ सकता है, चाहे तो लैंडस्लाइड भी हो सकते हैं। जैसा अभी हिली रीजन जैसा सिक्किम का जो एक मेन कैरेक्टरिस्टिक हम लोग देखते हैं जिधर पे अगर रेनफॉल कंटिन्यूअसली होते रहे लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल तो ज़्यादातर जगह पे वैली फॉग जनरेट कर जाता है विच रिड्यूसेस द विजिबिलिटी कंसिडरेबली। तो इसके लिए वो जान चलाचल में भी थोड़ा सा असर पड़ सकता है। सर इसके साथ ही मानसून का आना भी होगा या नहीं, क्या मानसून के लिए इम्पैक्ट करेगा या नहीं? मानसून में जैसे अभी जैसे मानसून में जनरली हम लोगों का सिक्किम एंड एडजोइनिंग जो नॉर्थ बंगाल है ये सब जगह पे मानसून जनरली फर्स्ट वीक ऑफ जून में चले आते हैं। तो इस बार भी हम लोगों को एक्सपेक्टेशन जो है ऑलमोस्ट फर्स्ट वीक का आसपास ही रहेंगे, क्योंकि अंडमान में भी हम लोग जैसे एक्सपेक्ट किया था 15 को उन्होंने 16 मई को ऑलरेडी ऑनसेट हो चुका है। तो ये इधर पे आते आते लगभग कुछ दिन लगेगा, लेकिन ये सिस्टम जाने का बाद भी बोल सकते हैं क्या हम लोगों के ऊपर इस सिस्टम के लेके मानसून के ऊपर कुछ असर आ रहा है क्या नहीं। लेकिन फॉर द टाइम बींग हम लोगों के ऊपर जैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मानसून ठीक टाइम पे आएंगे मेनली। वो एक है दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट और एक है कलिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट। तो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट जो है कंफर्टेबली बड़ा है, तो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में जो है दार्जिलिंग में हिल भी है प्लेन्स भी है। तो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में जैसे हम लोग सोच रहे हैं क्या कल आज और कल डेफिनेटली उधर पे बारिश तो होगी थ्रू आउट द डे, ऑलमोस्ट लाइट टू मॉडरेट रेन होगा। लेकिन उधर पे जो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल होने का चांस है, जिस इधर पे जैसे सिक्किम के लिए बोल रहा हूँ ओनली हेवी रेनफॉल जो 7 सेंटीमीटर टू 12 सेंटीमीटर का अंदर पे हम लोग सोचते हैं, वेयर एज अगर हेवी टू वेरी हेवी बोलेंगे तो 7 सेंटीमीटर टू 20 सेंटीमीटर रेनफॉल के लिए। तो हम लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो जगह पे दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में मेनली कल हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल होने का संभावना है दार्जिलिंग और कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट। वो एक्चुअली उसका जो साउदर्न और साउदर्ली विंड के लिए वो फुल्ली ओपन रहते हैं कंपैरेटिवली तो सिक्किम के लिए, इसलिए उधर पे जैसे ही आप लोग बे ऑफ बंगाल से कोई सिस्टम आ रहा है तो उसका साउदर्ली ओपन होने से वो क्या है डायरेक्ट हिट करते हैं। इसलिए उधर पे हम लोग 7 से 20 सेंटीमीटर जैसे हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल के लिए उम्मीद कर रहे हैं कंपैरेटिवली टू सिक्किम में जो है ओनली हेवी रेन के लिए। इसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा कनेक्टिविटी वगैरह में, कनेक्टिविटी में कर सकते हैं, फिर विजिबिलिटी के लिए हम लोग बोल रहे हैं लैंडस्लाइड हो सकता है, फिर विजिबिलिटी के दो को भी आएगा। डायरेक्ट इम्पैक्ट तो नहीं आएगा लेकिन इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ये सब आ सकते हैं। आपका क्या कहते हैं आएगा, ये डायरेक्ट ऐसा करके जाएगा, ये थोड़ा सा ये रहते हैं सेंसिटिव है बहुत, ये डायरेक्ट है, ये पेरिफेरी में पड़ गया कट ऑफ कटक भुवनेश्वर ये सब जगह पे।